गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके सीएलसी क्लासेस में। और गाइस, आज का टॉपिक जो हमारा डिस्कस होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो कि आरएससीईआरटी का थर्ड यूनिट चैप्टर का टॉपिक है। तो गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेजर टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का, और ये टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ साथ पूरे कंप्यूटर को मैनेज करने वाला एक प्रोग्राम भी होता है। तो गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक मेन प्रोग्राम इसलिए माना जाता है कि ये एक इंटरफेस जैसा इम्पोर्टेंट वर्क कंप्लीट करता है। इंटरफेस वाला वर्क, इसके लिए हम एक डायग्राम को देखेंगे। जैसा कि गाइस, मैंने आपके सामने ये डायग्राम बनाया है कि बहुत सारे यूजर्स हैं, यूज़र वन, यूज़र टू और एन यूज़र, जो कोई भी एप्लीकेशन को अगर यूज़ कर रहा है तो उसके लिए वो अपनी डिवाइसेस को यूज़ कर रहा है, जैसे सीपीयू है, आईयू डिवाइस है, मेमोरी सिस्टम है। कंप्यूटर में कोई भी यूज़र किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करेगा, तो जो भी एप्लीकेशन को यूज़ करेगा गाइड, वो किसी हार्डवेयर पार्ट्स के थ्रू यूज़ करेगा। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर जो पार्ट्स होते हैं वो सीपीयू एक हार्डवेयर पार्ट होता है जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग जैसा इंपॉर्टेंट वर्क कंप्लीट करता है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट जो डिवाइस हैं वो भी एक हार्डवेयर पार्ट ही होती है, एक डिवाइस होती है। मेमोरी भी एक डिवाइस, जैसे रैम है आपका, ये भी एक डिवाइस ही होती है जिसको कोई भी यूज़र डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। यानी कि अगर कोई यूज़र है तो क्या कंप्यूटर के किसी भी सीपीयू को वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है? नेवर। यानी कि अगर वो डायरेक्ट एक्सेस कर भी ले तो उसके लिए, डायरेक्ट एक्सेसिंग के लिए, उसको एक प्रोग्राम लिखना होगा, और वो प्रोग्राम के थ्रू कोई भी यूज़र किसी भी डिवाइस को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसको प्रोग्राम का लिखना ज़रूरी होगा। अगर कोई भी यूज़र, सेकेंड यूज़र, अगर उसी डिवाइस को यूज़ करना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है, तो क्या वो डायरेक्ट उस डिवाइस को एक्सेस कर सकता है? लेकिन अभी तो वो डिवाइस बिजी है, तो क्या वो एक्सेस कर सकता है? क्या उस डिवाइस को वो डायरेक्ट ले सकता है? नहीं, क्योंकि अभी तो कोई यूज़र है जो उस डिवाइस को यूज़ कर रहा है। तो उस डिवाइस को जब तक वो रिलीज़ नहीं करेगा, तब तक कोई अदर यूज़र उस डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पर एक इंटरफेस का काम करता है, और वो इंटरफेस यूज़र और हार्डवेयर के बीच में होता है। इट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक मेन प्रोग्राम का रोल प्ले करता है कंप्यूटर में, और उसका रोल क्या होता है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस को इस्टेब्लिश करना। तो हमारा, और इसके अलावा और फंक्शनलिटी क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो अभी हम आगे देखेंगे। और फंक्शनलिटी में और में क्या आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए एक मेन प्रोग्राम होता है, जो मैंने अभी बताया है। ये पूरे कंप्यूटर को मैनेज और कंट्रोल करने का वर्क करता है। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का वर्क किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको डिटेल में एज डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आ जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। इट मीन्स पूरे सिस्टम को चलाने में ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक मेन प्रोग्राम होता है, जिसकी हेल्प से पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यह मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर का सॉरी यह मेन प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट आ जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा यूटिलिटी ड्राइवर होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है, और भी इसके अलावा सर्वर, इसके अलावा और भी सर्वर जो सॉफ्टवेयर है, और भी वर्क कंप्लीट एक ग्रुप के रूप में वर्कआउट करते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर मेन प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को मैनेज और एग्जीक्यूट करने में भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज और कंट्रोल, जो कमांड होती है वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किसी भी प्रोसेस को, मेमोरी मैनेजमेंट को, या बायो सिस्टम को भी कंट्रोल और मैनेज किया जाता है। बायो सिस्टम, इट मीन्स बूटिंग इनपुट आउटपुट सिस्टम को भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल और मैनेज करता है। इसके अलावा हमारे टाइप्स आ जाते हैं गाइस, टाइप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स में सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम।
ये एक अलग डिस्कशन में आ जाता है इसके टाइप्स को, जिसको हम अलग अलग डिटेल में, हम इसको अच्छे से टॉपिक को डिटेल करेंगे। अभी हम एज डेफिनेशन अभी हम इस लेक्चर में कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसकी फंक्शनलिटी क्या है, इसको हमने डिस्क्राइब किया है गाइस। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है गाइस हमारा कि कौन कौन से वर्क जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको वर्क डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रिसोर्स मैनेजमेंट को सपोज, रिसोर्स मैनेजमेंट को यानी कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम या यूजर यूजर जो है, जो भी रिसोर्सेज जो यूज करना चाहता है, जैसे सपोज करो कि वो सीपीयू को यूज करना चाहता है या प्रिंटर को यूज करना चाहता है, जो भी रिसोर्स को यूज करना चाहता है उसका मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही डन होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोसेस का मैनेजमेंट। कोई भी यूजर सपोज करो कि कोई यूजर है वो आज अभी आपका वर्ड पर वर्क करना चाहता है, वर्ड वर्ड यानी कि एमएस वर्ड को एक्सेस करना चाहता है, दिस इज अ एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर, ऑपरेटिंग एप्लीकेशन का पार्ट है ये, एमएस वर्ड एमएस ऑफिस का पार्ट है ये, और एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। कोई भी प्रोसेस को मैनेज करना चाहता है, कोई भी प्रोसेस को यूज करना चाहता है यूजर, तो उसके लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही रेस्पॉन्सिबल होता है कि कितने टाइम के लिए कोई यूजर एक एप्लीकेशन को यूज करेगा, फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन को यूज करेगा, तो उसके लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट में गाइस हमारा एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव को लिया जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव जो कि स्टोरेज मैनेजमेंट में एक बड़ी यूनिट होती है, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव बहुत बड़ी यूनिट होती है डाटा को स्टोर करने के लिए, तो उसके लिए हम फाइल सिस्टम को यूज करते हैं। यहाँ पर फाइल सिस्टम के थ्रू जो है स्टोरेज को मैनेज किया जाता है, यानी हार्ड डिस्क को मैनेज किया जाता है। फाइल सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस होता है कंप्यूटर में जिसके थ्रू किसी भी हार्ड डिस्क को कंट्रोल और मैनेज किया जाता है। अब फाइल सिस्टम के अलावा जो रिसेंटली NTFS चल रहा है यानी कि न्यू फाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू भी जो है फाइल सिस्टम को मतलब कि कैटेगराइज या आप मान सकते हैं सेक्शन वाइज जो है स्टोर करने का वर्क जो है कंप्लीट करता है, और उसमें हेल्प जो है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम ही करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। देखो मेमोरी मैनेजमेंट पे रैम आता है, मेमोरी मैनेजमेंट पे रैम आता है आपका, मैनेजमेंट में रैम आता है। रैम यानी कि जिसे हम वॉलेंटाइल टाइप की मेमोरी बोलते हैं, वॉलेंटाइल टाइप यानी कि जो जिसमें डाटा सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी रहने पर ही रहता है, अदरवाइज वो फेल हो जाता है, करप्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो रैम जो है एग्जीक्यूशन वर्क के लिए जो है एग्जीक्यूशन वर्क में जो है वर्क करती है। एग्जीक्यूशन का मतलब अगर कोई यूजर किसी एप्लीकेशन को यूज करना चाहता है तो उसके लिए वो सीपीयू जो है रैम में उस प्रोग्राम को लेकर आएगा, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उस प्रोग्राम को या उस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने का जो वर्क है वो रैम सीपीयू के द्वारा पूरा होता है। क्योंकि रैम जो है लिमिटेशन साइज में होती है, इसलिए यहाँ पर जो रैम का जो वर्क है, मेन जो वर्क है वो एग्जीक्यूशन के लिए होता है, और एग्जीक्यूशन के वर्क के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रैम को एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है जिसके थ्रू किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क को कंप्लीट किया है यहाँ पर कि रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शनलिटी को और वर्किंग को हमने देखा है। तो गाइस आई होप सो कि ये वीडियो आपने कंप्लीट देखी होगी, और ये वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका जो टॉपिक है ये एक मेन टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो आपके कंपटीशन लेवल के साथ साथ आपके RSCIT के साथ में आएगा ही। इसके अलावा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके कंपटीशन एग्जाम में भी। तो मिलते हैं गाइस अगली